और संजय सिंह ने कहा कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होने वाला। देखिए ऐसा है कि केजरीवाल के बारे में क्या कहूँ, केजरीवाल विश्व के ऐसे नेता हैं जिनको जनता ने कई बार पीटा है। आज तक नेता जनता द्वारा कभी नहीं पीटे जाते थे, अपने दुश्मन द्वारा हमला हो जाए सब कुछ हो, लेकिन हाइपोथेटिकल है आपकी बात, आपकी बात हाइपोथेटिकल है कि आप मोदी बनना में लड़ाई होती है तो क्या स्थिति होगी, कुछ भी हो रहा है क्या? नहीं, पूरा विपक्ष सोच रहा है, सुन लीजिए हर तीसरा लग रहा है। अरे भैया सुन लीजिए ना, सुनिए, मेरा काम है प्रश्न पूछना, एक मिनट। हर तीसरा मुख्यमंत्री कह रहा है। लेकिन केजरीवाल विश्व का ऐसा नेता है जिसको जब चाहते है जनता तब पीट देती है, दो थप्पड़ लगा देती है, एक गांधी समाधि में मुंह फुला के जाके बैठ जाता है। और संजय सिंह तो सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, इन सबों का भाग्य उदय हो गया, ऐसे सब नेता हो गए, चाहे संजय सिंह हैं चाहे गोपाल राय हैं, ये जो आप में जो नेता हैं सब पे सब तो जेल जाने लायक हैं, आधे तो जेल में बंद हैं। आप कहते रहिए कि महंगाई है बेरोजगारी है यह बात अलग है, लेकिन आप अगर आंकड़ों पर गौर करिएगा तो आंकड़े तो कुछ और बोल रहे हैं। अगर मोदी बनना, अगर बनारस में मोदी बनना जो भी होता है क्या स्थिति होगी? ऐसा है कि जो मोदी के खिलाफ लड़ेगा उसकी मट्टी पलीद हो जाएगी। आप क्या कहेंगे? उसका नाम तो हो गई, एक ऐसी लड़ाई वो हारेगा जो स्वयं भी जानता होगा कि हारी हुई लड़ाई। आप क्या कहेंगे? अगर यहाँ चुनाव होता है 2024 का, नरेंद्र मोदी बनना जो भी होगा, क्या अंतर होगा हार और जीत? वही अंतर होगा जो चींटी और पहाड़ का होता है। क्या होगा? चींटी और पहाड़। आप देख रहे हैं रोमांचल पोस्ट। हम इस समय बाबा भोलेनाथ की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस में हैं। और बनारस में अगर आप आएं और विश्वनाथ मंदिर ना घूमें, विश्वनाथ मंदिर घूमने के बाद अगर घाटों को ना घूमें, घाटों को घूमने के बाद अगर आपको समय मिले और पप्पू चाय वाले की दुकान पे ना जाएं तो आप फिर कहां गए? ये वही दुकान है जो नरेंद्र मोदी जी को भी चाय पिला चुका है, अरविंद केजरीवाल जी को भी चाय पिला चुका है, राहुल गांधी जी को भी चाय पिला चुका है, और राजनीति के जो बड़े बड़े महारथी हैं सबको ये दुकान चाय पिला चुका है। और ये दुकान चाय की दुकान इसलिए खास है क्योंकि ये 80 साल पुरानी दुकान है, 90 साल पुरानी दुकान है, और जब चाय बेचने वाले को देश की जनता लोहिया जी भी चाय पिए हैं, बस आ रहे हैं, जब चाय बेचने वाले को जनता प्यार देके और बनारस की जनता अपने यहाँ से सांसद चुनती है और पूरे देश का PM बना देती है, और फिर अरविंद केजरीवाल जी को भी यहीं से वो जनता मान लीजिए नकार देती है, राहुल गांधी की भी रैली होती है वो यहीं से चाय पीते हैं, तो जब एक चाय पीने वाला व्यक्ति जो मतलब समाज से जो चाय पीने वाला व्यक्ति चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री बना हो और प्रधानमंत्री बनने के बाद एक चाय वाले की दुकान पर आकर चाय पिया हो तो ये चाय कितनी खास होती है, ये दुकान कितनी खास होती है, यही मैं आपको बताने आया हूँ। और पप्पू चाय वाले की दुकान पर आया हूँ। और जब आप बनारस के जातिगत समीकरण को, चुनावी समीकरण को, विकास को जानना चाहते हैं तो कहीं मत भटकिए, पप्पू जी की दुकान पर आइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बड़े से बड़े महारथी चुनावी विशेषज्ञ यहाँ बैठते हैं, एक एक चीज आपको बताएंगे और जानेंगे। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशिभूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। हमने कई तरह की आपको चाय पिला के बताई है, MBA चाय पिलाया है, चाय सुट्टा बार पे चाय पिलाया है, हमने भरोसे की चाय पिलाया है, मसाले की चाय पिलाया है, लगभग सबकी तकनीक एक है, लेकिन जो पप्पू जी की दुकान के चाय है उसकी तकनीक एक है। ये एक तरफ दूध को खौलाते हैं, दूसरी तरफ चाय पत्ती और पानी को खौलाते हैं, फिर इनका एक नए तकनीक के साथ जो ये चाय बनाते हैं ये इनको खास बनाता है। पहले तो मनोज जी आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, आपको चैनल को प्रणाम करते हैं। मनोज जी आपके दुकान पे कौन कौन आ चुका है? बहुत लोग आ चुके हैं, बड़े बड़े हस्ती लोग और प्रोफेसर लोग, लेक्चरर लोग, डॉक्टर लोग, कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है कि नहीं आया है हमारे। नरेंद्र मोदी जी आए तो आपके लिए किस तरह का अनुभव? मोदी जी नहीं, हमारे यहाँ वहाँ से भोलेनाथ उठ के आए हैं, जैसे रह रहा है मोदी जी तो आ गए, उनके साथ साथ भोलेनाथ भी आए हैं। मोदी जी ने आपसे क्या कहा जब उनकी रैली निकल रही थी, जब वो आपके चाय की दुकान पे आए? वो पहले बताया गया था कि वो आने वाले हैं कि अचानक? नहीं, हम लोग कुछ नहीं बताए थे, वो आए अचानक, चाय पी के हाल चाल लिए, फिर कॉरिडोर के विषय में पूछे बनारसी अंदाज में, कहा यार गैला तू लगन कॉरिडोर देखे, कहा हाल चाल हो, कैसा लगल, मस्त हुआ, खुश हुआ, कुछ ना हुआ तो वही बताया,
ना खुश हुआ तो ही बताया, पूरे अंदाज से बात थी। अनुभव था आपके? अनुभव हम लोग के लिए दिल्ली, आप मोदी के लिए, जब तक मोदी है तब तक देश रहेगा। तो आप देखिए, ये मनोज जी हैं, इनके पिताजी पप्पू जी चाय बनाते थे, हम इनके पास आएंगे, बड़ी व्यस्तता रहती है, कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो अगर आपको राजनीति को समझना है, अब बनारस को समझना है या देश को समझना है, तो भैया आप इनकी दुकान पर चले आइए, महारथी लोग बैठे रहते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। चाचा जी क्या नाम पड़ेगा? आरपी सिंह। कितना बदला है बनारस? बनारस तो बहुत बदला है, बहुत बदला है। आप लोग शायद देखे ना हो, आज से 10 साल पहले का बनारस गड्ढों वाला बनारस था, अव्यवस्था वाला बनारस था, कोई पुरसाहाल नहीं था बनारस में, सड़क पर चलना दुश्वार था, लाइट कभी कभी आती थी, जब लाइट आती थी तो लोग खुश होते थे कि लाइट आ गई, और प्रशासन की भी हालत बदतर थी, पुलिस प्रशासन भी, यहाँ गुंडागर्दी भी चरम सीमा पर थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद बनारस में काफ़ी परिवर्तन आया, और आप देख लीजिए कि यहाँ का हवाई अड्डा देख लीजिए, रेलवे स्टेशन देख लीजिए, मंदिरों की स्थिति देख लीजिए, घाटों की स्थिति देख लीजिए, सड़कों की स्थिति देख लीजिए, पहले से बहुत अच्छी हो गई है। एक तरफ ये नारा लग रहा है जिन्हें बनारस की जनता ने नकार के भेजा था, अरविंद केजरीवाल जी को, तो अभी उनकी लोकसभा में एक भी सीटें नहीं हैं, और संजय सिंह ने कहा कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होने वाला। देखिए ऐसा है कि केजरीवाल के बारे में मैं क्या कहूँ, केजरीवाल विश्व के ऐसे नेता हैं जिनको जनता ने कई बार पीटा है। आज तक नेता जनता द्वारा कभी नहीं पीटे जाते थे, अपने दुश्मन द्वारा हमला हो जाए सब कुछ हो, लेकिन केजरीवाल विश्व का ऐसा नेता है जिसको जब चाहते ही जनता तब पीट देती है, दो थप्पड़ लगा देती है, एक गांधी समाधि में मुंह फुला के जाके बैठ जाता है। और संजय सिंह तो सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, इन सबों का भाग्योदय हो गया, ऐसे सब नेता हो गए, चाहे संजय सिंह हैं, चाहे गोपाल राय हैं, ये जो आप में जो नेता हैं सबके सब तो जेल जाने लायक हैं, आधे तो जेल में बंद हैं। वो कह रहे हैं हम गुजरात जीत रहे हैं, जिस मॉडल को नरेंद्र मोदी ने दिखाया पूरे विश्व को कि गुजरात मॉडल, 2014 में गुजरात मॉडल आया, 2019 में जनता ने गुजरात मॉडल को स्वीकार किया, इस बार कई मॉडल आ रहे हैं। नीतीश कुमार बोल रहे हैं बिहार मॉडल, तेलंगाना मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल, तो बीजेपी का हो गया, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं दिल्ली मॉडल। देखिए अरविंद, राजस्थान मॉडल। अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, सारे सीटों पर नोटा से ज़्यादा वोट नहीं पाए, उत्तराखंड में लड़े वहाँ भी नोटा से ज़्यादा वोट नहीं मिला, गोवा में लड़े वहाँ भी मैक्सिमम सीटों पर जमानत जब्त हुई। तो केजरीवाल चुनौतियाँ तो सब लड़ रहे हैं, कोई छोड़ थोड़े रहे हैं, सवाल यह है कि जनता इनको जानती है। ये पंजाब और दिल्ली, देखिए ये पंजाबी बहुल क्षेत्र है दोनों, ऐसा है कि सिखों पंजाबियों को इन्होंने बरगलाया है, ये उनका दिमाग वाश कर दिए हैं और वाश करके वोट ले रहे हैं। और पंजाब की पॉलिटिक्स समझना हो तो दिल्ली की पॉलिटिक्स को जोड़िए उसमें, लोकल दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ पर बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, मैक्सिमम झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों की आबादी वहाँ बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, राजधानी है तो स्वाभाविक है कि जो उसका विस्तार है दिल्ली का उसमें झुग्गी, तो आप समझिए वही वादा बिजली फ्री का उत्तर प्रदेश में किया, गोवा में किया, उत्तराखंड में किया, यहाँ की जनता तो लालच में नहीं पड़ी, दिल्ली की या पंजाब की जनता क्यों पड़ी? नशे का जहाँ पर प्रचलन ज़्यादा होगा वहाँ केजरीवाल सफल होगा, मेरा ये मानना है, और दोनों जगह सफल हुआ है, जहाँ जहाँ नशेड़ी ज़्यादा है वहाँ वहाँ इसकी सफलता ज़्यादा है। आएंगे चाचा जी, आप तो अच्छा आप नहीं बोलेंगे, आते हैं चाचा जी से बात करते हैं, क्या नाम पड़ेगा? अच्छा आप भी ना, क्या 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 नाम पड़ेगा? पीयूष मिश्रा। पीयूष मिश्रा जी हाँ बोलिए, महंगाई पे आपका क्या कहना है? देखिए महंगाई तो जब से हम पैदा हुए हैं तब से है, जब हम पैदा हुए थे तो एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान, उसका एक गाना था हाय महंगाई महंगाई मार गई, तो महंगाई हर समय थी लेकिन सुविधाएं नहीं थी। जैसा अभी हमारे गुरुजी ने कहा कि बनारस में जो महंगाई उस समय भी थी 10 साल पहले, ऐसा नहीं 10 साल पहले बहुत सस्ता था, उस समय सुषमा स्वराज सब लोग सिलेंडर लेके सड़क पे उतरा करती थी महंगाई के लिए, फिल्में आती थी महंगाई पे, गाना आता था सैया तो हमार बहुत कमात है महंगाई डाइन का, तो ये हर समय महंगाई थी, लेकिन उसके साथ हमको इतनी सुविधाएँ नहीं मिलती थी, आज जितनी सुविधाएँ मिलती, प्लस
हमारे यहाँ जैसे प्रेशर कुकर में बम ब्लास्ट हुआ करते थे, संकट मोचन में बम ब्लास्ट हुआ करते थे। हमें ये कहा जाता था, 50 तख्तियाँ हर जगह मिलती थी कि कृपया कोई भी अनजानी वस्तु मिले तो उसको तुरंत इस नंबर पर सूचित करें, जहाँ भी बैठे पहले नीचे देख के बैठे। अब वो सब गायब हो गई तख्तियाँ, वो सब स्लोगन गायब हो गए। तो सुविधाएं हम लोग की बहुत बढ़ गई। अब आप अभी मैं पढ़ रहा था कि जयशंकर प्रसाद जी जो है अमेरिका में कहीं कोविड का अपना सर्टिफिकेट दिखा रहे थे, तो इन्होंने कार्ड निकाला, और जबकि इनके बच्चे, इनका परिवार अमेरिका में ही रहता है, उन्होंने लिफाफे में से कागज़ निकाल के दिखाया। तो आप सोचिए, आज आप अमेरिका से भी एक स्टेप आगे जा रहे हैं, और पाँचवीं सबसे बड़ी जो है आप हो जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था हो जा रहे हैं, तो मेडिकल चेंज आया यार, कल्पनीय। बनारस के बारे में जो आप कर रहे हैं, ये तो मैं यहीं पैदा हुआ, सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा भी बनारस हो सकता है। पक्ष कहता है गंगा साफ ही नहीं हुई, माँ गंगा ने बुलाया था, नरेंद्र मोदी जी का नारा था। देखिए, वो कहेगा ही, वो तारीफ कैसे करेगा, ये आप हमको बताइए। हम अगर किसी के विपक्ष में है तो हम उसकी तारीफ कैसे कर सकते हैं। ये तो हम कहेंगे कि लाख साहब, आज आप कैंट चले जाइए, आप इवन बनारस किसी शहर पे चले जाइए, आप एक पन्नी नहीं सड़क पे पा सकते। रात में 12-12 बजे, 2-2 बजे सफाई कर्मी सफाई करते हैं। एक आप किसी भी स्टेशन पे चले जाइए, इतना बढ़िया मड़ुआडी बनारस स्टेशन अब उसका नाम हो गया, काशी नया स्टेशन बन गया, और वाराणसी ऑलरेडी है ही है। आप चले जाइए अभी इसी समय, चलिए, एक पन्नी आप नहीं पाएंगे। आपसे आते हैं फिर हम क्लोज करेंगे। एक ये महंगाई नापने का पैमाना किसी भी देश में क्या होता है? एक पैमाना होता है महंगाई नापने का। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो जो भी कर्मचारी थे उनको DA डबल डिजिट में मिलता था, 10% 11% इस तरह से। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, एक डिजिट में DA हो गया है। इसका मतलब जो महंगाई का दर है बढ़ने का, वह कम है। जैसे बेरोजगारी का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, जो नेशनल आंकड़ा निकलता है, तो इस समय 6 point कुछ है, पहले 8.9 point कुछ होता था। तो ऐसा है कि जो आंकड़े बनाने वाली संस्थाएं हैं, जो आंकड़े, आप कहते रहिए कि महंगाई है, बेरोजगारी है, यह बात अलग है, लेकिन आप अगर आंकड़ों पर गौर करिएगा तो आंकड़े तो कुछ और बोल रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, केजरीवाल जी कह रहे हैं आप फ्री में राशन दे तो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, हम दे फ्री में शिक्षा, फ्री में चिकित्सा, तो ये मुफ्त की रेवड़ी। देखिए, आपको मुफ्त का दवाई देना रेवड़ी नहीं होता है, क्योंकि आपका जीवन बचाने के लिए हम इंतजाम कर रहे हैं। मुफ्त का खाना अनाज देना ये रेवड़ी नहीं है, इसलिए कि आपको मालूम है कि ये महामारी 100 साल बाद आई थी, और महामारी का एक रिकॉर्ड है कि जब महामारी आती है उसके बाद तुरंत भुखमरी फैलती है, और लोग भूख से ज़्यादा मरते हैं, महामारी से कम मरते हैं। इसको मोदी जी ने भांप लिया, इसलिए उन्होंने अपना अन्न भंडार खोल दिया ताकि लोग भूख से न मरें, जिससे कि देश हमारा दुर्भिक्ष का शिकार न हो। और उसको आप अगर आप रेवड़ी समझते हैं तो आपके दिमाग का भगवान ही मालिक है। सवाल लास्ट पूछ लेते हैं आपसे, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं अंकल जी आप, मतलब सरकारी जॉब? हम रिटायर्ड हैं। रिटायर किस विभाग? मैं भारत कला भवन BHU से। अगर यहाँ चुनाव होता है 2024 का, नरेंद्र मोदी बनाम जो भी होगा, क्या अंतर होगा हार और जीत का? वही अंतर होगा जो चींटी और पहाड़ का होता है। क्या होगा? चींटी और पहाड़। आप युवा हैं और हम युवाओं के बीच में है, क्या नाम पड़ेगा? संजय मिश्रा, मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हैं, तो आप आए हैं बनारस घूमने और पूरी स्थिति को आप जानते हैं, बेरोजगारी पे आपका क्या कहना है? देखिए, बेरोजगारी पहले भी थी, बेरोजगारी अभी भी है, लेकिन करने वाले लोग, मेहनत कश लोग मेहनत अपना काम भी कर रहे हैं, और बाकी राजनीतिक पार्टियों का तो ये, विपक्ष का तो ये दायित्व ही उठ सकता है। लखनऊ से यहाँ आए हैं चाचा जी, यहीं के रहने वाले हैं, और कितना आप अपने, आपके नज़र से हम बनारस को देखना चाहते हैं, कितना कुछ बनारस बदला है? मैं देखिए, मैं 12-13 साल से बनारस आ रहा हूँ, मैं 2009 में पहली बार आया था, तब से बहुत बदल चुका है बनारस। क्या बदला? हम आज जाने वाले हैं, देखने वाले हैं, आपके बदलाव की नज़र से हम उस बदलाव को देख लेंगे जाके। जैसे कि हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते थे, पहले गलियों से जाते थे, गंदगी होती थी, गोबर पड़ा होता था, कई बार गंदी नालियों का पानी होता था, उसके बीच से जाना पड़ता था। आज जब आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल दिव्य नज़ारा मिलेगा कि हम कहाँ आ गए। कहा जाता था कि बनारस गलियों का शहर है, गलियाँ ही इसकी प्राचीनता, गलियाँ ही इसकी खूबसूरत है। तो अगर कॉरिडोर बनाया गया तो उन गलियों को तोड़ के ही बनाया गया, तो इसको आप कैसे देखते? नहीं,
देखिए ऐसा है ना, वो भी बहुत चैलेंजिंग जॉब थी जो मोदी जी ने करके दिखाया, बदलाव के रूप में देखिए। बाकी गलियां तो बाकी बनारस को गलियों का शहर कहा जाता है, प्राचीनता है गलियां, गलियों को तोड़ के अगर चौरीकरण किया गया अच्छा है बदलाव की दृष्टि से। आप युवा हैं, आप इसको कैसे नहीं देखिए, उसमें भी ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि से आप देखें तो उसमें भी बहुत से मंदिर निकल के आए हैं जो कि दबे हुए थे अंदर, सैकड़ों मंदिर जो झांप दिए गए थे दीवारों के अंदर से, तो वो चीज़ें निकल के जो हम लोग को पता भी नहीं थी और आज दिव्य स्वरूप आपके सामने है, आप जो कल्पना नहीं कर सकते थे वो है। और जहाँ तक गलियों की बात है तो बनारस तो गलियों का शहर, हजारों गलियाँ अभी भी हैं। करेंगे बहुत घूमना है बनारस। अच्छा, कौन गुरु जी से बात कर लेते हैं। गुरु जी नाम तो बता दीजिए। हमारा नाम वीरेंद्र झा है। पक्ष कह रहा है कि गंगा जी को नहीं बदला गया, जिस स्वरूप में बदल देना चाहिए था, क्वेटा बनाने की बात कही गई थी, कितना आप बदलाव देख रहे हैं? भैया हम तो बहुत दिन से यहाँ पर, बचपन से ही हैं। लेकिन हम 14 से और अब तक की बात करें, हम बचपन से यहाँ पर बनारस में हैं। लेकिन आज से 8 साल पहले जो गंगा की स्थिति था उसमें बहुत सुधार हुआ है। बहुत से कचरे जो हैं सब साफ़ हो रही है, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। और दूसरी बात, जब पूरा दुनिया का कचरा उसमें गिर रहा है तो कितना साफ़ होगा। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा साफ़ गंगा जी हैं। अब ऐसा है कि वहाँ पर स्नान भी करने लायक हो गया है, हैं गंगा जल ला के आप अपना घर में पूजा पाठ भी कर सकते हैं, हर चीज़ है अब। तो आप देखिए किस तरह से, यही वो जगह है चाचा जी से एक मेरा लास्ट क्वेश्चन छोड़ने का आपको मनी, इतना बढ़िया आप बात कर रहे हैं, जो एक गलियों वाली बात है, बनारस गलियों का शहर है, गलियों को तोड़ के चौड़ीकरण किया गया, विकास के रूप में लोग देख रहे हैं, आपकी नज़र से जानना चाहेंगे कि आप कैसे देख। देखिए क्योटो जो मोदी ने कहा था, तो क्योटो का मतलब इन लोगों को नहीं मालूम है कि क्योटो शहर कैसा विकसित हुआ है, न किसी ने देखा है। राजनीति में आके लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं। क्योटो की को जो मूल शहर था उसकी मूलता को रखते हुए उसमें जो आधुनिक परिवर्तन किया गया है, ऐसा है कि मूल शहर को नहीं बदला गया, उसमें बदलाव किया गया जन सुविधाओं का, उसी का नाम क्योटो पड़ा। बनारस में वही मोदी ने अपनाया है कि बनारस की मौलिकता अपने स्थान पर बनी रहे, गलियां भी रहे, जन सुविधा भी बढ़े, और उसको ध्यान में रख के मोदी ने परिवर्तन किया है। कोई भी गली तो राजघाट से लेकर 80 तक आप देखेंगे तो हजारों गलियां बनारस में हैं। बनारस आज भी गलियों का शहर है। ऐसी गलियां हैं कि अगर आग लग जाए तो एम्बुलेंस कभी नहीं पहुंचेगा, मकान जल के राख हो जाएंगे। तो आप समझिए, मौलिक पहले आग लगने की घटनाएं कम होती थी, अपराध कम होता था, हिंसा कम होती थी, आज वही गलियाँ अभिशाप का रूप ले चुकी हैं। अगर आज आग लग जाए या हिंसा हो जाए बनारस में तो पुलिस को पहुंचने में मुश्किल हो जाएगी, कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और एक सवाल ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बुलडोजर वाली राजनीति को कैसा देखना चाहते हैं? विपक्ष कह रहा है कि जब देखिए बाबा का बुलडोजर चल जा रहा है। ऐसा है कि भारत में एक मानसिकता बन चुकी थी कि सरकारी जमीन है तो उसको कब्जा कर लो। हर आदमी सरकारी जमीन पर कब्जा करने पर उतारू था। न्यायालय में केस फंसा दिया जाता था, 20 साल तक चलता था, तब तक उनका मकान चलता था, निर्माण चलता था। नगर निगम आके ताला बंद कर देता था, भीतर से दूसरे तरफ से घुस के निर्माण चलता था, नगर निगम का ताला बाहर से सील है। तो ऐसा है कि योगी जी ने जो बुलडोजर अपनाया ये बहुत ही अच्छा है कि जड़ से ही समूल नाश कर दो, क्योंकि न्यायालय से उसका फैसला हो नहीं पाएगा। पक्ष कहता है कि बाबा का बुलडोजर एक ही पक्ष पे ज़्यादा चलता है। देखिए जितने भी आपराधिक कृत्य देश में हैं, जितने भी अपराधी हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, सारा का सारा विपक्ष उन्हीं के साथ खड़ा है। अगर विपक्ष की बात को चलेंगे तो हिंदुस्तान में एनार्की फैल जाएगी। आतंकवादियों को पकड़ो मत, अपराधियों को पकड़ो मत, अपराध पर रोक मत लगाओ, जो बाहर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है विदेशियों का उन पर रोक मत लगाओ। मतलब देश को ऐसा धर्मशाला बना दो कि हर कदम पर बम फूटे, हर कदम पर हिंसा हो। अच्छा जी, आप तो पेंशन पाते होंगे। हाँ, इतना पेंशन पाते होंगे कि यहाँ चाय भी पी ले, बढ़िया खा भी ले, अच्छी बातें भी हम लोग कर ले। इस सरकार ने कटर बटर मटर सब पर GST लगा दिया। एक गरीब होता था, ब्रेड खरीदता था, दूध लेता था और पूरा परिवार नाश्ता कर लेता था, अब तो सब पर GST लग गया। ऐसा बताइए हमको कि GST सब पर लग गया, आप कभी कारों की बुकिंग देखे हैं?
जब कोई नई कार मार्केट में आती है तो आज भी कारों की बुकिंग में लाइन लगी हुई। जिसके पास पैसा, मैंने कल सुन लीजिए चाचा, कल एक गरीब का मैंने इंटरव्यू किया, चाय बेच रहा था। उसने कहा कि मैं पनीर नहीं खरीद पाता हूँ, 250 रुपये किलो है पनीर, किसी के शादी में जाता हूँ तो ही खा पाता हूँ। एक बार बताऊँ आपसे, ये झूठ बोलता है वो। आज गरीब भी वही खा रहा है जो अमीर खा रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, रिक्शा चलाने वाला भी, जो रिक्शा चालक है वो भी उतना कमा ले रहा है। बनारस में मोदी के आने के बाद इनकम इतना ज़्यादा बढ़ा है कि आपको होटल में जगह नहीं मिलेगा। खाने जाएंगे, अगर अभी कचौड़ी बिक रही है ना, हाँ, इतना लाइन लगेगी, आप तुरंत का तुरंत कचौड़ी सड़क पर जो कचौड़ी बेच रहा है उसके यहाँ भी तुरंत आप नहीं पाएंगे। आप सब्जी की दुकान पर जाके देख लीजिए, यहीं पर बैठे सब्जी वाला 10,000 रोज फायदा कमाता है। बिक्री की बात दूर छोड़िए, चाय की दुकान पर आप बैठ जाइए, तुरंत आपको चाय हाथ में नहीं मिलेगी, आपको बैठ के इंतजार करना पड़ेगा। आप अभिभावक हैं, मैं बार बार क्लोज करना चाहता हूँ, प्रश्न आ जा रहे हैं, बता भी आप बड़ा सही रहे। नेताजी के सांसद का अगर सीट खाली हो तो 6 महीने के भीतर भर देना है, किसी को मंत्री बना देना है तो 6 महीने के भीतर कहीं से उनको जीतना होगा, या विधान परिषद से जीते या वो विधानसभा से जीत के आए। तो अगर उनकी पद खाली होता है तो 6 महीने में भरना है, लेकिन अगर सरकार का कोई पद, सरकारी नौकरी में कोई पद खाली है तो 10-10 साल लग जा रहा है, और एक तो पेपर दे लड़का, उसके बाद रिजल्ट के लिए कोर्ट जाए, फिर आप क्या कहेंगे? किसी भी देश की सरकार, ये तो अलग प्रश्न। हाँ, किसी भी देश के सरकार को चलाने के दो माध्यम होते हैं, एक कानून बनाता है राजनेता, इम्प्लीमेंट करता है ब्यूरोक्रेट। इस देश का ब्यूरोक्रेट वही है जो सन 47 में था। आज भी सरकार जो पास करती है या जो पैसा भेजती है उसको खर्च करने में या जो पद हैं भरने में, ये ब्यूरोक्रेसी का हाथ है। ब्यूरोक्रेट्स जो है जिस सरकार को नहीं चलाना चाहते हैं उसके खिलाफ काम करना शुरू करते हैं। आज ब्यूरोक्रेसी खुश नहीं है देश में। जब नेतृत्व तो ईमानदारी लाना चाहता है तो ब्यूरोक्रेसी जो है उसको किसी तरीके से फेल करने में लगी हुई है। आप देखिए, तमाम ब्यूरोक्रेट्स पकड़े, एक मामूली सा क्लर्क पकड़ा जा रहा है, उसके घर में करोड़ों रुपये मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं? छोटे छोटे ब्यूरोक्रेट्स के घर पे चार चार पाँच पाँच मकान। इसी बनारस में DLW में एक जूनियर इंजीनियर पकड़ा गया जिसके 4 मकान हैं, करोड़ों की संपत्ति पकड़ी गई है, उसके पास दर्जनों नौकर उसके यहाँ काम कर रहे हैं और उसका पद है जूनियर इंजीनियर। तो देखिए, जो सरकार के हाथ पाँव हम ही आप हैं, कोई सरकार आगे काम नहीं करी। 400 MP जिताए हैं तो 400 MP आगे काम नहीं करेंगे, उनका माध्यम होता है ब्यूरोक्रेसी। आपको बताया कि सिर्फ सरकार को देश देना, सरकार की मंशा पर आप देखिए कि सरकार की मंशा क्या है, लेकिन उसके हाथ पांव तो ब्यूरोक्रेट्स हैं। जब तक इस देश के ब्यूरोक्रेसी पर पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं होगा तब तक देश में सुधार। सरकार को जहां पूर्ण बहुमत नहीं मिला वहां सरकार तोड़ के गिरा दे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे विधायकों को खरीदने के लिए 20 करोड़ रुपये दिए गए, यानी कि 40 विधायकों को खरीदने के लिए 800 करोड़ का बजट बनाया गया। 800 करोड़ का बजट होता सारे विधायक बिक गए होते। मैं आपको एक बार बता दूं, ऑपरेशन लोटस चल, सुनिए, विधायकों प्रदेश में बहुमत, वो सुनिए, महाराष्ट्र में, सुनिए, मध्य प्रदेश में बहुमत नहीं मिला तो रिजाइन करवाया गया। कर्नाटक में सुनिए मध्य प्रदेश में बहुमत, ऑपरेशन लोटस को कैसे, सुनिए, ऑपरेशन लोटस है ही नहीं, ऑपरेशन लोटस है नहीं, राजनीति आप करते हैं। गोवा में आपने, हाँ सुन लीजिए, आप बार बार रिपीट मत करिए सवाल को, एक का उत्तर सुनिए। आप राजनीति करते हैं या बिजनेस करते हैं तो लाभ कमाने के लिए करते हैं, न कि गंवाने के लिए घर की पूंजी करते हैं। जो दल राजनीति कर रहा है वो राजनीति इसलिए कर रहा है कि हम चुनाव जीते सत्ता में आए, और सत्ता में आने के लिए हुक और क्रूक दोनों का इस्तेमाल होता है। कौन सी ऐसी सरकार रही है जो सत्ता में आने के लिए 3-5 नहीं की है? आप हमको बताइए, जवाहरलाल नेहरू नहीं करते थे? जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रधानमंत्री पद प्राप्त किया क्या उनको जनता ने चुना था? पहला शपथ ग्रहण अंग्रेजों ने करवाया था, उसके बाद वो कांग्रेस द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री हैं, न कि MP द्वारा चुना हुआ था उनका। कांग्रेस एक तरह भारत जोड़ो आंदोलन कर रही है, BJP कांग्रेस तोड़ो आंदोलन कर रही है। कांग्रेस भारत टूटा कहाँ है कि भारत जोड़ो आंदोलन कर रही है? कांग्रेस का आप पाकिस्तान बांग्लादेश को मिलाना चाहते हैं? आप ये आंदोलन क्या पाकिस्तान बांग्लादेश और बर्मा श्रीलंका को मिलाने के लिए कर रहे हैं? आप देश तो हमारा जो कहते हो है, बल्कि जम्मू कश्मीर जो थोड़ा सा अलग था उसको 370 लागू करके उसको भी मिला लिया गया। कहाँ भारत टूटा है?
ये राजीव राहुल गांधी बताए कि भारत टूटा कहाँ है, वो परिवार अपना संभाल ही नहीं पा रहे हैं, चले हैं देश छोड़ने, परिवार टूट रहा है खंड खंड में, क्यों नहीं पैसा दे के परिवार को इकट्ठा कर ले रहे हैं। आपके आदमी भाग रहे हैं, आपके पास आपकी माँ विश्व के 10 महिला अमीर महिलाओं में एक हैं, आपके पास पैसे कमी नहीं है, आप क्यों नहीं उन आदमियों को पैसा दे के तोड़ ले रहे हैं जो आपके आदमी भाग रहे हैं। अगर पैसे से आदमी बिक रहे हैं तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि कांग्रेस के जो आदमी टूट रहे हैं उसको कांग्रेस पार्टी पैसा दे के क्यों नहीं खरीद ले रही है। और केजरीवाल के पास पैसा कम है, केजरीवाल आज पैसे वाले हैं। कह रहे हमारी शिक्षा नीति इतनी बेहतर है कि हमारे यहाँ जो 12,000 की नौकरी करता है उसका बच्चा IIT पास करके 3,00,000 की नौकरी पा रहा है। बताइए, सुनिए, हमको PM बनाइए उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जरा निष्पक्ष होकर सोचिए, केजरीवाल के यहाँ सैकड़ों प्रिंसिपल के पद खाली हैं जब से मुख्यमंत्री बने हैं आज तक। दनिवास टाइम में चला, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कोई पेपर बचा नहीं है। उन्होंने कहा मेरी शिक्षा मॉडल को दनिवास टाइम में छापा गया, वो भी पहले पेज पे। अगर भाजपा भी चाहे ना तो दुनिया के सारे अखबारों में छपवा सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा है पैसा, आप विज्ञापन, वो न्यूज़ नहीं है, वो विज्ञापन है। एक ही समाचार 2 अखबारों में लाइन बाय लाइन छपता है, इसका क्या मतलब है? वो विज्ञापन है, वो न्यूज़ नहीं है। गुरुजी, इसका सीधा सा सवाल जवाब है कि ओम प्रकाश राजभर जोन बोल दे वही मान ला भाई। दुए स्टेट में उनकी सरकार है, कांग्रेस कुछ बोले तो कुछ समझ में भी आवे, कई स्टेट में राज की है। पूछ लेते हैं, अगर सुन लीजिए, अरे मेरी बात है, अगर मोदी बनना, अगर बनारस में मोदी बनना जो भी होता है क्या स्थिति होगी? एक बार और ऐसा है कि जो मोदी के खिलाफ लड़ेगा उसकी मट्टी पलीद हो जाएगी। आप क्या कहेंगे सर? उसका नाम तो हो गई है, एक ऐसी लड़ाई वो हारेगा जो स्वयं भी जानता होगा कि हारी हुई लड़ाई है। आप क्या कहेंगे सर? जो सब लोग कह रहे हैं हम सब। आप क्या कहेंगे? सब सही है सर। आप क्या कहेंगे सर? हाइपोथेटिकल है आपकी बात। क्यों? आपकी बात हाइपोथेटिकल है कि आप मोदी बनना में यहाँ लड़ाई होती है तो क्या स्थिति होगी? कुछ नहीं हो रहा है क्या? नहीं, पूरा विपक्ष सोच रहा है। सुन लीजिए, हर तीसरा लग रहा है। अरे भैया सुन लीजिए ना, सुनिए, मेरा काम है प्रश्न पूछना, एक मिनट। हर तीसरा मुख्यमंत्री कह रहा है, KCR को देख लीजिए, उनका जनाधार कहा है, वो बोल रहे हैं मोदी बनना मैं, नीतीश बोल रहे हैं मोदी बनना मैं, फलाने बनना मैं। तो यही सवाल है कि अगर मोदी बनना बनारस में होता है तो क्या होगा? आप सुन लीजिए, प्रधानमंत्री का रास्ता UP से होके गुजरता है लेकिन 14 से बनारस से होके गुजर रहा है, फिर गुजरेगा। हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं क्या स्थिति होगी जब मोदी बनना जिसकी भी लड़ाई होगी? कोई नहीं होगा उसके, उन्होंने कहा ना मट्टी पलीद होगी, वही होगा और क्या? मट्टी पलीद होगी और क्या होगा? तो मट्टी पलीद मतलब क्या? 4,00,000, 3,00,000, 5,00,000, 6,00,000? ये देखिए, ये आंकड़ा उस पर्टिकुलर दिन का होता है, इसमें वो नहीं कि अब 4,00,000, 3,00,000, ये कोई पर्टिकुलर दिन का होता है, कोई मैं डेटा मैन थोड़ी होकर बता दूंगा। जी कहने के पहले बनारस में हजारों में जीत हार होती थी MP की, और जब से मोदी आए हैं 3,00,000 से ऊपर की हार जीत होती है। बदले हुए बनारस को बताइए, विपक्ष कहता है कुछ नहीं बदला है और BJP कहती है हमने परिभाषा ही बदल दी बनारस की। परिभाषा बदल दी, और देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या, पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री को उन्होंने बदल दिया, विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है, उसके बाद सड़कें भी ठीक की हैं, और फंडामेंटल चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी की है, पहले से सब कुछ अच्छा हुआ है। सब अच्छा है, 2 निगेटिव चीज़ बता दीजिए, सब तो पॉजिटिव नहीं हो सकता है ना? नहीं नहीं, बिना देखिए, बिना पॉजिटिव हुए, मतलब बिना नेगेटिव के पॉजिटिव होने, निगेटिव बता दीजिए ना, कि सरकार को 2 काम बता दीजिए जिस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए पहले तो सड़क थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ी बहुत, और थोड़ा ट्रैफिक व्यवस्था, वो सही हो जाएगा। क्या नाम पड़ेगा सर? आशुतोष मिश्रा। तो हम पप्पू चाय की दुकान पे खड़े थे, और ये ऐसी राजनीति है जहाँ रुकने वाली नहीं है। अंकल है, इनसे बातचीत कर, क्या नाम पड़ेगा? अच्छा चलिए, तो आप देखिए किस तरह से पप्पू चाय की दुकान ये राजनीतिक आखड़ा है, और बिल्कुल मतलब अगर मैं प्रश्न पूछता रहूँगा धारदार जवाब मिलते रहेंगे। अगर बनारस को जानना है, बनारस को समझना है, अर्थव्यवस्था को समझना है, भारतीय राजनीति को समझना है, तो आप एक बार पप्पू चाय वाली की दुकान पे आइए। जो भी महारथी हैं जरा वोट दिखाइए, यही वो दुकान है जहाँ एक चाय बेचने वाले व्यक्ति को जब जनता प्रधानमंत्री बना देती है, और वही व्यक्ति किसी चाय की दुकान पे आके किसी चाय वाले का अगर चाय पी के उनका हौसला अफजाई करता है, तो आप देख सकते हैं दुकान बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, बस 80-90 साल पुरानी है, और यहाँ लोग बैठ के मतलब भैया चाय का मजा भी लेते हैं, राजनीति पे चर्चा भी करते हैं, और हर व्यक्ति किसी चीज़ का मतलब किसी भी सब्जेक्ट का विशेषज्ञ मिलेगा
और उन्हीं के नजर से आप बनारस को देख सकते हैं, इंडिया को देख सकते हैं। आज तो पक्ष ही पक्ष मिला, जबरदस्त निगेटिव भी पक्ष मिलता है, और कभी कभी तो ये नौबत आ जाती है भैया लगेगा मार हो जाएगा, लेकिन यहाँ की खासियत ये है वो मार नहीं, वो कुछ ही देर में प्यार में तब्दील हो जाता है। और सब जो कि हमारे भारत में कहा जाता है कि मतलब कि भारत में नहीं है, भारत की परिभाषा ये हर जगह होना चाहिए कि मतभेद हो मनन भेद ना हो, वही यहाँ होता है। जो व्यक्ति यहाँ लड़ रहा होता है किसी मुद्दे पे, वही उस व्यक्ति का चाय का पैसा दे रहा होता है। ऐसी ही खबरें मैं अलग अलग जगह से जाकर दिखाता रहूँगा, बनारस की खूबसूरती को दिखाता रहूँगा, जो भी चीज़ अगर निगेटिव होगा उसको भी मैं दिखाता रहूँगा। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ अजलान के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ, कैमरा अजलान संभाल रहे हैं, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।